वेलकम फ्रेंड्स टू ऑनलाइन एकेडमी क्लासेस। आप सभी को ऑनलाइन एकेडमी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। जैसे हम सभी क्लास 7 से पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए इस ट्राइंगल में एबीसी में एंगल बी की वैल्यू 90 डिग्री है, तो हम डायरेक्टली पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए बोल सकते थे एसी का स्क्वायर यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। ये हम डायरेक्टली आज तक बोलते आ रहे थे, बट अब हम इसके प्रूफ के बारे में पढ़ेंगे ऐसा होता क्यों है। बट इसके प्रूफ पे जाने से पहले हमें कुछ बेसिक पॉइंट्स के बारे में पता होना चाहिए। पहले चलिए उस बेसिक पॉइंट्स को क्लियर करते हैं। अगर कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जैसे इसमें एंगल बी की वैल्यू 90 डिग्री है और एक हमने एंगल सी को सपोज करिए हमने एक्स मान लिया यानी एसीबी को हमने एक्स मान लिया, तो हम डायरेक्टली जो बचा हुआ एंगल हुआ एंगल ए हम 90 - x बोल सकते हैं। क्यों बोलेंगे देखते हैं। हमें पता है ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी की वैल्यू कितनी होगी 180 डिग्री। एंगल ए हमें फाइंड करना है, एंगल बी की वैल्यू 90 डिग्री है, गिवन है राइट एंगल ट्रायंगल है बी पे और सी की वैल्यू हमने एक्स मानी है, तो यहाँ पे हमने एंगल ए की वैल्यू 90 - x कैलकुलेट कर ली। अब ये तीनों पेयर हमें याद रखनी है, यानी अगर एक की वैल्यू एक्स है, दूसरे की वैल्यू 90 है, तो थर्ड की वैल्यू 90 - x ही होगी। तो दूसरे अगर हम नजरिए से देखें, एक की वैल्यू 90 - x है, दूसरा का 90 है, तो थर्ड क्या होगा x होगा, क्योंकि तीनों का पेयर हमेशा ही बनेगा ट्राइंगल में। अगर एक की वैल्यू x है, दूसरे की 90 - x है, तो थर्ड क्या होगा 90 होगा। ये पेयर आपको याद रखना है, तीनों हमेशा साथ आएंगे ट्राइंगल में। चले चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब देखिए एबीसी राइट एंगल ट्राइंगल है बी पे, एक हमने एक्स माइनस सी को, तो ए क्या हो गया 90 - x, ये हम सबको पता है। अगर हम बीडी को एसी ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, यानी हमने बीडी परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, यानी इसका मतलब ये वाला और ये वाला एंगल कितना हो गया 90 डिग्री हो गया, ये दोनों एंगल 90 डिग्री हो गए। तो अगर हम नीचे वाला ट्राइंगल देखें बीसीडी ट्राइंगल, हमें पता है सी हमने एक्स माना है, ये 90 डिग्री हो गई क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है, तो बचा हुआ क्या हुआ एंगल बी वाला इस वाले में बीसीडी में, तो ये बी कितना हो गया 90 - x। इसी तरीके से ऊपर अगर ये हमारा नीचे सी एक्स था, तो बड़े वाले ट्राइंगल में एंगल लेके आ गया था 90 - x, यहाँ पे देखिए एंगल ए की वैल्यू क्या थी 90 - x। अब देखिए ये 90 - x है, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, ये हो गया 90, तो ये बचा हुआ कितना हो गया x। अगर हम इन सभी पेयर को साथ में बनाए, सारे ट्राइंगल के एंगल को हम साथ में बनाए, तो ये फिगर कुछ ऐसे दिखेगी। देखिए एक x हो गया, एक 90 - x हो गया, ये बचा हुआ x, ये 90 - x। अभी तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, तो चलिए लेट्स स्टार्ट द थ्योरम। अब हम इसमें गिवन क्या है, एक ट्राइंगल एबीसी है जिसमें हमें एंगल बी 90 डिग्री गिवन है, और हमने लेट क्या करा था एंगल सी यानी एसीबी को हमने एक्स मान लिया था, और हमें टू प्रूफ क्या करना, जो हम 7th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम, उसमें क्या होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। कंस्ट्रक्शन हमने करी थी, हमने थोड़ी देर पहले देखा बीडी हमने एसी के ऊपर परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट करा था, जिसकी वजह से हमारा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90 डिग्री हो गया था। अब आपको उसमें कुछ पॉइंट्स का याद रखना है, जैसे हमें इस थ्योरम में दो बार सिमिलरिटी का यूज करना है, एक बार हमें ऊपर वाले ट्रायंगल को लेते हुए बड़े वाले ट्रायंगल के साथ सिमिलर करना है, यानी एबीसी और एबीडी को लेना है, दूसरी बार हमें एबीसी को नीचे वाले ट्रायंगल के साथ सिमिलर प्रूफ करना है। जब दो बार सिमिलर हो जाएंगे उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ क्या करना है। चलो मैं पहले लेता हूँ नीचे वाला ट्रायंगल और बड़े वाला ट्रायंगल, मैंने ले लिया एबीसी, फिर मैंने ले लिया साथ में बीडीसी। अब इसमें भी ना आपको सीक्वेंस का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे एबीसी, अब मेरे को उसी सीक्वेंस में यहाँ पे भी लेना पड़ेगा। जैसे एबीसी में ए कौन सा एंगल है 90 - x वाला, तो मेरे को नीचे भी 90 - x वाला पहले लिखना पड़ेगा, मैंने लिख दिया बी। अब नेक्स्ट स्टेप में मेरा एबीसी में बी कौन सा 90 वाला, देखिए एबीसी में बी 90 वाला, तो मुझे नीचे भी 90 वाला लिखना पड़ेगा, नीचे 90 वाला कौन सा रहा डी, तो फिर मैंने लिख दिया डी। और अब थर्ड कौन सा बच रहा है एबीसी में सी एक्स वाला, तो नीचे भी आपको एक्स वाला लिखना पड़ेगा, यानी बीडीसी हो गया। अब हमें दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए कोई भी दो एंगल को बराबर दिखाना पड़ता है। मैंने कौन सा एंगल दिखा दिया, एक मैंने दिखा दिया 90 - x, दोनों में आ रहा है इक्वल रख दिया। अब दोनों में एक्स आ रहा है कॉमन आ रहा है, तो मैंने दोनों को इक्वल दिखा दिया, इसका मतलब दो एंगल इक्वल हो गए, यानी ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए सिमिलर हो गए। सिमिलर कैसे हो गए, बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। जब ये सिमिलर हो गए, अब हमें यूज करना है सीपीएसटी का, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल का यूज करना है। अब इसमें आपको ये पेयर बना के लिखने होंगे। अब किसी किसी बच्चे को यहाँ पर भी डाउट रहता है कि आपने इसके साथ ये क्यों लिखा, इसके साथ वो क्यों लिखा, तो इसको आप बेहतर समझने के लिए एक काम करिए, यहाँ पे 1, 2, 3 का नंबर डाल लीजिए यहाँ पे भी, और 1, 2, 3 का नंबर यहाँ पे भी डाल लीजिए, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे मैंने लिया बीसी यानी 1, 3 का पेयर, तो यहाँ पे भी आप 1, 3 का पेयर लेंगे डीसी, मैंने लिख दिया नीचे D3। अब मैंने यहाँ पे लिया एसी, एसी कौन सा पेयर है 1, 3, तो यहाँ पे भी मैं 1, 3 का पेयर लूंगा यानी बीसी। अब किसी को डाउट आ रहा होगा कि आपने 1, 2 का पेयर क्यों नहीं लिया एक बार भी। अब आपको इसमें एक और बात याद रखनी है, जिसमें भी बीडी का यूज आ रहा होगा ना वाला पेयर नहीं लोगे। अब देखो इसमें बीडी आ रहा है 1, 2 वाले पेयर में, तो हम बीडी वाला पेयर लेंगे नहीं, यानी 1, 2 हम लेंगे नहीं, तो ये वाला जैसे हमने ले लिया, नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बस यहाँ से हमें मिल गया बीसी का स्क्वायर इक्वल टू एसी इंटू डीसी, फिर इसको इक्वेशन 1 मार्क कर लेनी है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर।
अब देखिए, हमने अभी नीचे वाला ट्राइंगल लिया था, अब हमें लेना ऊपर वाला ट्राइंगल, ये ऊपर वाला ट्राइंगल, ठीक है। अब ऊपर वाला ट्राइंगल कैसे लेंगे हम, हमने ले लिया एबीसी, एबीसी में एंगल ए क्या आ रहा है 90-6, तो ऊपर वाले 90-6 कौन सा ए है, तो हमने यहाँ पे ए लिख लिया सीक्वेंस में। फिर बी कौन सा 90, यहाँ पे 90 कौन सा डी, फिर जो बची हुई वर्टेक्स है बी, मैंने वो लिख लिया। अब अगेन दो एंगल को बराबर दिखाना है, एक तो एंगल है, एंगल कॉमन है, दोनों में 90-x है, हाँ। अब दूसरे में मैंने क्या ले लिया, एच 90, यानी देखो एबीसी में तो 90 कौन सा आ रहा है, बी वाला, यानी एंगल एबीसी, इसमें 90 कौन सा आ रहा है, एंगल एडीबी, एच 90 मैंने कर दिया। अगर मैं तीसरा लेना चाहता वो भी लिख सकता, तो कौन सा हो जाता, एंगल एसीबी एक्स आ जाता, और इसमें एक्स कौन सा आता, एबीडी, वो भी लिख सकता था। वैसे जरूरत नहीं होती, हम दो भी एंगल प्रूफ करके एंगल एंगल सिमिलैरिटी का यूज करके हम दिखा सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमको यूज करना पड़ता है सीपी एसटी का, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अब देखिए सीपीएसटी का यूज कैसे करेंगे, अगेन 1-2-3 नंबर डाल दीजिए, 1-2-3 नंबर डाल दीजिए, आप देखेंगे बीडी कौन से पेयर में मिल रहा है आपको, इस वाले पेयर में, यानी 2-3, 2-3 को मत लिखो और बाकी जो दो पेयर उनको लिख लो, 2-3 को छोड़ एक 1-2 वाला लिख लो, ए बी अपॉन में ए डी लिख दिया, 2-3 को छोड़ के कौन सा बचा आपका, बचा 1-3, यानी ए सी अपॉन में ए बी भी लिख लिया आपने, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, यहां से क्या मिल गया आपको, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू ए डी, ये लिख लिया आपने। यहां तक आपको क्लियर होगा, दो इक्वेशन बन गई, जब दो इक्वेशन बन जाए दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, बस आंसर अपने आप आ जाएगा। देखिए हमने दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, पहली इक्वेशन ये थी, दूसरी इक्वेशन ये थी, पहली इक्वेशन ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, एलएचएस दोनों को ऐड कर दिए, और आरएचएस क्या थे, ए सी इंटू ए डी प्लस में ए सी इंटू डी सी। अब देखिए यहाँ दोनों में आपको क्या, ए सी कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है दोनों के पास, तो ए सी कॉमन ले लो, क्या बच गया साथ में, ए डी प्लस डी सी, ए डी प्लस डी सी मिलकर क्या बन रहे हैं, ये तो पूरा ए सी बन जा रहा है, तो ये पूरा ए सी बन गया, यानी ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है, ए सी का स्क्वायर। तो ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम प्रूव हो गई, यहाँ पे बस लिख देना हैंस प्रूव, पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे। देखिए अब हम क्या करते हैं, दोबारा इसको स्टार्टिंग से आखिर तक रिवाइज कर लेते, और कॉपी में आप नोट कर लीजिएगा मेरे साथ साथ जैसे मैं रिवाइज कराऊंगा आपको। सबसे पहले हमने गिवन में क्या था, एक ट्राइंगल ए बी सी था जिसमें एंगल बी की वैल्यू 90 डिग्री गिवन थी, तो प्रूफ करना था हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, अच्छी तरह रटा हुआ 7th क्लास से पढ़ते आ रहे, कंस्ट्रक्ट करता था बीडी एसी ऊपर परपेंडिकुलर, फिर हमने ले लिया एक बार नीचे वाला ट्राइंगल, फिर हम उसके बाद लेना था मैं ऊपर वाला ट्राइंगल, पहले मैंने नीचे वाला ट्राइंगल लिया, यानी एबीसी और बीडीसी सीक्वेंस करेक्ट हो नीचे, वरना आपका आंसर गलत आ जाएगा, सीक्वेंस यहाँ पे करेक्ट। एक मैंने 90-x वाला इक्वल दिखा दिया, दूसरा मैंने कॉमन इक्वल दिखा दिया, जैसे ही दो एंगल इक्वल है सीधा बोल दोगे भाई एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। मैं पहले कह रहा हूं अगर आपके बेसिक वीक है तो आपको इस चैप्टर के बेसिक अगर आप नहीं आते तो आप थ्योरम समझने में बहुत दिक्कत आ रही होगी, इसके लिए आपको क्या करना है, आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए वीडियो के, वहां पे ट्रायंगल के जो बेसिक लेक्चर है उनको देख लीजिए, इससे आपको वीडियो समझने बहुत आसानी होगी। और साथ ही में आपको कुछ और भी थ्योरम से जैसे इंपॉर्टेंट थ्योरम थेल थ्योरम उसका कन्वर्स पाइथागोरस का कन्वर्स वो भी वहाँ डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वो सारी जाके देख लीजिएगा, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आगे क्या करना था, हमने इसके बाद सीपीएसटी का यूज करना था, कौन सा पेयर नहीं लेना है, हमें पेयर नहीं लेना जिसमें बीडी आ रहा है, देखो बीडी 1 और 2 में आ रहा है, तो 1-2 को छोड़ के दोनों लिख दो, 1-3 ले लो पहले, तो 1-3 क्या एसी अपॉन में बीसी ले लिया भाई, 1-2 नहीं लेना, अब कौन सा बचा 2-3, यानी बीसी अपॉन में डीसी भी ले लो, ले लिया, फिर क्या कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां से हमारी इक्वेशन बन गई, ये वाली इक्वेशन बन गई, संभाल दो, अगला ट्राइंगल ले लो, हमने ऊपर वाला ले लिया, एक तो एबीसी ही लेना है बड़े वाला, दूसरा कौन सा लेना है भाई, सीक्वेंस कोई भी थोड़ा डाल दोगे, ए के साथ किसका बन रहा है 90-x, ए बन रहा है, फिर डी बन रहा है, फिर बी बन रहा है, ये दोनों एंगल लिख लिए, एक 90-x वाला एक 90 वाला, दोनों एंगल लिख लिए सिमिलैरिटी से क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, फिर वही कौन सा पेयर नहीं लेना, बीडी वाला ले लेना, बीडी कौन सा आ रहा है 2-3 वाला आ रहा है, इसको छोड़ के दोनों ले लो भाई, 1-2 ले लो पहले, तो 1-2 ए बी और इसमें 1-2 क्या रहा है ए डी ले लिया, फिर कौन सा ले लो आप 1-3 ले लो, ए सी और ए बी ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो अगेन, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू ए डी, फिर आपको क्या कर देना दोनों को एड कर देना इक्वेशन 1 और 2 को, जैसे आपने ऐड कर यहाँ पे भी आपका एसी बन जाएगा तो एसी का स्क्वायर हो जाएगा, हेंस प्रूफ पूरे में से पूरे नंबर मिल गए। आई होप आपको वीडियो क्लियर होगी, अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाए तो प्लीज काइंडली टाइप इन द कमेंट बॉक्स, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो डाउट क्लियर कराऊंगा। चलिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।